हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्न क्लासेस में। तो यहाँ पर हम लोग आज जो सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल सीखने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल, आप अक्सर अपने विद्यालय में अपने स्कूल में जाते होंगे तो आपके टीचर आपको बताते होंगे ये कॉमन है, ये आंसर हमने कॉमन निकाल लिया, ये निकल गया कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन होता क्या है, कैसे इस कॉमन को निकाला जाता है, कैसे हम लोग बनाते हैं कॉमन, कॉमन क्या है ये कॉमन, कॉमन तो ये कॉमन होता क्या है, इस बारे में अगर आप लोगों को दिक्कत ये हो रही है, कॉमन नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बनाने आ रहा है, तो आज ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए खास होने जा रहा है। आज का आपका ये डाउट कि कॉमन क्या होता है, कैसे निकलता है, ये बिल्कुल तरीके से आपको तरीके से सीखने जा रहा है। तो ये कॉमन चीजें को देखने के लिए और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे कॉमन चीजें का प्रैक्टिस यहाँ पर करा दिया जाएगा आज। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरे तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3A में चलते हैं, उससे सबसे पहले टाइप वन में इसको बोलता हूं, टाइप वन में बात करते हैं। तो टाइप वन में जो बात की जा रही है, टाइप वन में बात की जा रही है वो ये है फैक्टराइजेशन। पहला जो क्वेश्चन है वो 9x² + 12xy है। तो यहां पर देखिए, जैसे सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आया आपके समक्ष आ जाता है या किसी भी क्वेश्चन हो, तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये देखिएगा, इम्पोर्टेंट उसको देना है कि आप इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसमें कॉमन है या नहीं है, ये आपको देना है। तो कॉमन है क्या, कॉमन है तो अगर आपको कॉमन नहीं कर देता तो सिंपली मैं बता रहा हूं, इसको 3×3 लिखा जा सकता है, एक्स को आप x×x लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, और ये 12xy को आप क्या लिख सकते हैं, 2×2×3x×y। ये मैं सिंपली आपको अभी बता रहा हूं। अब इसमें से क्या है, 3×3 क्या कॉमन है, तो 3 निकाल दिए, x कॉमन है x निकाल दिए, और अब कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्योंकि अब 3 और x ही इन दोनों में कॉमन है, जो नहीं हुआ उसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्या बचा 3x बच गया, प्लस का साइन बच गया, और 2×4 और 1y बच गया, 4y, और यही आपका हो जाएगा। इसको आप सिंपली 3x + 4y लिखिएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को जो कि आप लोग भी स्टॉप करके उसको बनाइएगा, 18x²y - 24xy। एकदम बेसिक से बता रहा हूं लोगों को, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, टाइप्स बता रहा हूं। तो देखिए, चलिए इसको आप लोग सॉल्यूशन लीजिएगा, तो यहां पर जो हम सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, और यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग 3×2×2 लिख सकते हैं, सॉरी चला जाते हैं 3×2×3 लिख सकते हैं, 3×6=18। और यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x×x, ये मैं सिंपली आप लोग को अभी बता रहा हूं, -24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2×3×2×2 2×6=12×24, और x×y×z। अब जो जो कॉमन है पहले उसको टिक कर लेते हैं, 3×3 2×2 3 नहीं है, नहीं है कोई कॉमन, यानी यहां x कॉमन है, एक x, एक y कॉमन है, एक y कॉमन है। अब इनको छोड़कर जो जो कॉमन उसको निकाल लिए, 3×2×x×y ये कॉमन है, बचा क्या, इधर से बचा 2 3 बच गया, इधर से बच गया x यानी 3x, इधर से बच गया 2×2×4 माइनस का साइन जरूर लिखेंगे, ये माइनस का साइन 4, और यहां बचे z, बाकी सब निकल गया है, और यहां 3×6xy, और यहां 3x-4z, और ये हो जाएगा आपका आंसर। हम लोग इसके बहुत से टाइप्स की बात करेंगे, इसी टाइप्स का भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो थर्ड है, यहां हम लोग अलग अलग टाइप्स के सभी क्वेश्चन को देख रहे थे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, x²+2² + 4y p²+q²। तो अब देखने वाली बात है कि इधर सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 है, और ये दोनों एक ही लेवल से है, 2×2=4, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे, 2 कॉमन हो गया, अब क्या कॉमन है,
पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दोनों में ये चीज है, इसको भी निकाल लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल लेंगे। अब जो बचा वो क्या बचा, बचा तो क्या बचा, इधर से टू तो कॉमन था निकाल दी, इधर एक्स नहीं था, एक्स बच गया, इधर ये भी निकल केवल एक्स ही बचा था, इसमें प्लस बचा है, इधर से क्या बचा टू निकला है, टू एट टू बचेगा, वाई बचेगा, क्योंकि ये तो निकल चुका है, ये हम डेस्क ड्राइवर जो कॉमन है उसको डेस्क ड्राइवर निकल गया, ये बच गया, अगले ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा है ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट थ्री ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर, यहां पर जहां पर स्क्वायर था वहां होल स्क्वायर गया, माइनस टेन थ्री ए माइनस टू बी। अब यहां पर हम लोग को इस प्रेस करना है, ठीक है, तो यहां पर 8 का जो है 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले 8 और 10 में लिखा जाएगा, 8 और 10 में इनमें कॉमन है, हाँ है, क्या कॉमन है, दो दो क्योंकि 2 4 जाए 8 2 5 जाए 10 दो कॉमन हो गया। अब यहां पर 3a माइनस 2b होल स्क्वायर का मतलब किसी का होल स्क्वायर का मतलब x * x दो बार, तो एक दोनों निकाल देंगे 3a माइनस 2b निकाल देंगे, ठीक है, क्या बच गया दोनों में से 3 माइनस टू बी निकल गया, क्या बचेगा तो 4 बच गया और ब्रैकेट में 3a माइनस 2b एक तो बच गया क्योंकि दो टुकड़ा था, और जैसे क्या बच गया ये तो निकल गया, ये निकल गया, यहां तो 2 5 जा 10 ब्रैकेट में 2 3a माइनस 2b, यहां पर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 3 जा 12 है माइनस 4 2 जा 8 डिग्री माइनस 5। अब यहां देखने की बात यह है कि यदि ये अब तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है, कोई भी सॉल्व नहीं हो सकता है, कुछ भी कॉमन भी नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग यहां पर इस तरीके से समझ में आ रहा हो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग उसमें स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू एक्स जेड माइनस टू वाई जेड, यहां टर्मों को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अरेंज, ठीक है, आप कहिएगा यहां से यहां भी एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन है, इसमें भी टू जेड कॉमन है, आपका कहना बिल्कुल सही है। चलिए यहां से भी आप बना सकते हैं, तो आप इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं, एक्स को कॉमन लेकर क्या आएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों में से एक्स कॉमन, अब इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस टू जेड, दोनों में दो जेड है कॉमन है, तो एक्स, अब ये जो माइनस है वो क्या बदल जाएगा प्लस है, याद रखिएगा, और यहां पर एक्स प्लस वाई होगा, जबकि दोनों है तो दोनों को कॉमन करेंगे इन एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस टू जेड, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, पी एक्स माइनस फाइव क्यू प्लस पी क्यू माइनस फाइव एक्स। अब यहां कहने वाली बात यह है कि चार टर्म है, तो दो दो का टर्म हम लगाते हैं, तो इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, ना ही इन दोनों में कोई कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग टर्म को तो अरेंज करना पड़ेगा, कैसे अरेंज करेंगे तो देखिए, पी एक्स है, हम लोग एक पी वाले को ला रहे हैं यहां पर, ये प्लस पी क्यू जो भी साइन है वो साइन के साथ आ जाएगा प्लस पी क्यू। अब यहां पर जो है कि इधर आ गया माइनस फाइव क्यू, क्योंकि ये बच गया फाइव क्यू, और इधर से माइनस फाइव है, ठीक है, अब ये जो टर्म लगा, अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है पी, आप कहिएगा एक्स प्लस क्यू बच गया, ये बटन का सेम नहीं है, टर्म को सिलेक्ट करने में लगाते हैं, ठीक है, जैसा हम लोग को नहीं लगाना है, बताने के लिए लगाते हैं। अब इधर से क्या बना तो माइनस फाइव, क्या है माइनस फाइव, क्या बचेगा क्यू प्लस एक्स, तो भाई क्यू इधर आ गया, यहां पर क्यू इसमें प्लस एक्स, एक और स्टेप अप कर लीजिएगा, एक्स प्लस क्यू माइनस फाइव, हम लोग दोनों प्लस तो पहले तो हम लोग प्लस ऐसे कर लेते हैं, जिससे आपको ये लगेगा कि ये दोनों टर्म्स क्या है सेम आ गया, तो सेम टर्म आने का हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे एक्स प्लस क्यू को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा हम लोग पी माइनस फाइव, और ये आपका हो जाएगा आंसर।
यहाँ पर आपको टर्नों का अरेंजमेंट था, क्या था, टर्न का अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट आपको करना है कैसे, तो आपको जज करना है किसके आने पर हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे सर क्यू वाले को क्यों लिए, इसको ही क्यों लिए, इसने लोगों को क्यों शेयर किया, फाइनल सूत्र ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते थे। तो एक आप बस ऐसा टारगेट लीजिएगा जिसे कुछ कॉमन आ जाए, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, स्किल शॉट ले लें। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्स क्यूब है प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टेन। अब इसको हम लोग करना फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग इधर लिमिट चार करके है तो हम लोग टर्न ला देंगे दो दो का, दो दो का लगा देंगे। अब इसमें क्या कॉमन है, आप ये सर एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जब कॉमन है तो एक एक्स बच जाएगा, इधर क्या बचेगा टू, इधर प्लस का साइन, इन दोनों में क्या कॉमन है फाइव, इधर क्या बचा एक्स प्लस टू, क्योंकि फाइव एक्स का फाइव है, फाइव टू जाए टेन, आगे बात समझ में। अब इन दोनों में स्प्लस टू, स्प्लस टू कॉमन हो जाएगा, जब तक ये दोनों सेम ना है आप समझिएगा तब तक गलत है, अगर सेम आ जा रहा है आपका सही है, ठीक है, एक्स प्लस टू और यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस फाइव ए बी माइनस फाइव बी। अब यहां वाली मेरी बात है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर टर्म लगा लेंगे चार, चार का है तो दो का लगा लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है और बी कॉमन है, क्या बचेगा एक ए बचेगा और इधर से क्या बचेगा वन, क्योंकि ए स्क्वायर बी तो निकल गया, कुछ नहीं रहता तो इंटू में वन छिपा रहता है, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस फाइव, एक तो फाइव साफ दिख रहा है और बी दिख रहा है, तो बी इधर है, क्या बचा ए माइनस, यहां कुछ नहीं है तो वन छिपा है, दोनों में माइनस वन, ए माइनस वन आ गया, तो ए माइनस वन को जब हम कॉमन करेंगे ए स्क्वायर बी और प्लस फाइव बी आ जाएगा। अब इसमें से भी क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो ए माइनस वन और यहां से हम लोग बी को कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस फाइव आ जाएगा, जिसको हम सजा कर बी ए माइनस वन और ए स्क्वायर प्लस फाइव आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका जो सपोर्ट आएगा मुझे वो बहुत ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और मुझे अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छा करना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले टू एक्स माइनस थ्री है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर को हम लोग दो बार लिख दे रहे हैं, इधर से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं फोर, आप लोग इधर फोर कॉमन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि फोर टू या एट और यहां पर माइनस कॉमन होता है, यहां भी क्या बचेगा माइनस और फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री आ जाएगा यहां पर। अब एक बार चौबीस माइनस थ्री, चौबीस माइनस थ्री दोनों में आया, एक टू एक्स माइनस थ्री निकल गया, इधर क्या बचा टू एक्स माइनस थ्री और इधर बचा माइनस फोर, टू एक्स माइनस थ्री और अगर टू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर आ जाएगा, माइनस थ्री और माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस सेवन, टू एक्स माइनस सेवन। आइए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थ्री ए एक्स माइनस सिक्स ए वाई माइनस एट बी वाई प्लस फोर बी एक्स। यहां पर देखने लगते हैं कि ए ए और छह छह तीन के बड़ा मतलब कॉमन, ये दोनों भी कॉमन है, कि हम लोग यहां से लग सकता है, हम लोग को टर्मों को अरेंज नहीं करना है यहाँ पे, तो क्या कॉमन है थ्री कॉमन है, जहां नहीं अरेंज होंगे, नहीं कॉमन निकलेगा तो आपको वहां पर अरेंज करने पड़ेंगे थ्री, और यहां क्या है ए कॉमन है, क्या बचेगा यहां तो एक्स बचेगा क्योंकि थ्री ए निकल चुका है,
और जब क्या बचेगा टू, क्योंकि थ्री टू या सिक्स होता है कनेक्ट, वाई बचेगा ये निकल चुका है माइनस, इन दोनों में फोर एक कौन हो गया, माइनस भी कौन हो गया और बी कौन हो गया, क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ तो बच गया भाई टू वाई प्लस, समझ रहा है, प्लस में टू वाई कौन हो गया और यहाँ पर प्लस क्या बच गया माइनस, यहाँ माइनस बच जाएगा आपका एक्स, क्योंकि फोर बी निकल चुका है। अब देखने वाली बात है कि ये टू वाई माइनस में है और यहाँ टू वाई प्लस में है, तो इन दोनों से माइनस को फिर से कॉमन कर लीजिए आप, थ्री ए एक्स माइनस टू वाई, फिर से एक माइनस को कॉमन करके यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस बोल भी हो जाएगा और ये जो माइनस, ये जो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी आपका एक्स प्लस हो गया और माइनस टू वाई माइनस हो जाएगा। अब आप दोनों का सेम हो गया एक्स माइनस टू वाई, अब एक्स माइनस टू वाई को जब हम कॉमन करेंगे बाबू तो ये थ्री ए प्लस फोर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक बात यहां पर याद रखिएगा, आप जैसे कॉमन करके कर लीजिए, फिर इसमें सेम दोनों में प्लस आगे देखिएगा, प्लस और ये माइनस दो टर्म है, तो ये जो प्लस बना हुआ है माइनस इंटू माइनस से बना हुआ है, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस से बना हुआ है और एक माइनस, जब इसमें से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो इधर जो बचता है माइनस बचता है और ये क्या हो जाता है इसके इसके बस प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस बच जाता है, ये दोनों तो निकल गए, ठीक है, इधर प्लस हो जाता है ये माइनस बच जाता है, तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, ठीक है, कि माइनस कॉमन किया तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा माइनस से कॉमन होने के कारण, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक ये क्विक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन प्लस बी क्यू। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के साथ कराएंगे, टर्म में तोड़ेंगे पहले, ए स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू। अब टर्म में तोड़िए, अभी पेयर लगा लिया, क्या क्या कॉमन है, तो ए कॉमन है, इधर ए बचेगा इधर बचेगा बी स्क्वायर, इधर क्या कॉमन है तो बोलिए क्वेश्चन बी कॉमन है, इधर बचेगा ए और बचेगा बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी, इधर कॉमन निकल गया ए प्लस बी का स्क्वायर बचा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई थिंक अब ये टाइप पूरा तरीके से समझ में आ रहा होगा, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन हो। अगर ये देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर ये दोनों सेम रहता तो बहुत आसान होता बनाना, लेकिन ऐसे केस में जब कॉमन नहीं कुछ निकल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए दोनों, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई कर दिए। अब आप यहीं से कौन ना दीजिएगा तो आप यहां पर आ जाइएगा, ठीक है, रिटर्न चल जाइएगा, लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा सा अरेंज करना है, यानी किसी एक को इन दोनों एनर्जी में से किसी एक को यहाँ सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर चेंज करना है, यानी इन दोनों को चेंज कर देना है, ए बी एक्स स्क्वायर एक माइनस स्क्वायर ये लेना ये ले कोई भी लीजिए, हम ये ले लेते हैं माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस बचेगा क्या ए बी वाई स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर एक्स वाई कॉमन कर ली। अब एक टर्म लग गया हम लोग पेयर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें कॉमन करें, क्या क्या कॉमन है, ए कॉमन है एक्स कॉमन है कुछ और नहीं कॉमन है, चलिए बी एक्स यहाँ बचा ए बी बचा और एक्स बचा, इधर क्या बचे दो ए लिखता है एक ए बचेगा एक वाई बचेगा, ठीक है, प्लस इधर से भी हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पर बी कॉमन है भाई, यहाँ बी कॉमन है और एक वाई कॉमन है, क्या बच गया इधर बच गया हम लोग इधर से क्या बच गया भाई साहब क्या ए वाई बच गया, माइनस में क्या बच गया बी एक्स, फिर से वही बात आ गई, यहाँ पर देखने वाली बात ये है बाबू कि यहाँ पर लोग बी एक्स प्लस में है और यहाँ बी एक्स माइनस में है, तो माइनस क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, यानी ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, इधर से माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस बी वाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ए वाई जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस बात का हमेशा याद रखिएगा,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब bx माइनस ay सेम है, तो bx माइनस ay आपको कॉमन ले लेना है, बचा हमारा ax माइनस by, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक क्या आपको यहाँ पर तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ स्टेप होगा, तो आई थिंक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट इसके लास्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पे ये है, x plus by का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है bx माइनस ay का होल स्क्वायर। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें, ax plus by का होल स्क्वायर और bx माइनस ay का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो भाई कॉमन है नहीं, कहीं सेम है, ठीक है। तो ऐसे केस में by के साथ है तो यहाँ ay के साथ है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको दिए पहले वाले को अलग करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसको ब्रैकेट में बनाए तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर छोड़ जाएगा, प्लस 2ax by प्लस यहां से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax by तो गुणा करने का सही हो जाएगा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि ये 2ax by और 2ax by दोनों सेम होने का कट जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां देखने वाली बात यह है कि यहां भी अब कोई भी है इस वाले पेयर में भी तो कोई कॉमन निकल नहीं रहा है, तो आइए इसको कॉमन करने के लिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग टर्म्स की अरेंजमेंट करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाले को अरेंजमेंट कर लेता हूं मैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ऊपर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया और यहां पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया, इन दोनों में क्या है कॉमन, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ए और प्लस में ए और बी को किधर भी रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों का सेम आ गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम लोगों ने क्या क्या किया, यहां से ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों क्या है कॉमन है तो निकाल दिया और यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे समझिए कि यहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा इसको इस जगह पर और इसको इस जगह पर अरेंज किया था, ठीक है, टर्म्स को, क्योंकि हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन करने वाले थे, क्योंकि इसमें तो कॉमन हो नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए उन्होंने टर्म्स को चेंज कर दिया, ये आप कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग पूरा पूरा मैथ समझ में आ गया होगा, ये टर्म्स समझ में आ गया होगा, कॉमन की जितने भी हम लोग प्रॉब्लम हो रही होगी वो सब समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसी का प्रिपरेशन का लेकर मिलेंगे हम लोग, तो अब तक से आप लोग बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू।